गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, अब देखो बच्चे, तो हमें मालूम है सी मीन्स हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो हीट कैपेसिटी को पहले एक बार समझ लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। जैसे कि देखो, सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन हमने ले लिया है, ठीक है। अब बच्चा इसका टेम्परेचर सपोज करो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें कुछ हीट मैं प्रोवाइड करूंगा, हीट सच दैट इसका टेम्परेचर 20 से बढ़ के 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो कुछ मैं हीट प्रोवाइड करूंगा। तो जितना मैं हीट प्रोवाइड करूंगा दैट हीट इज ओनली कॉल्ड हीट कैपेसिटी, ठीक है। और उसी को ये सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट मीन सी इज व्हाट, हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature of any substance or any system by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called heat capacity। ठीक, अब देखो बच्चा, हमने एक फॉर्मूला किया था, देखो बेटा इसी को, Q मतलब कि heat provided, जो Q है मतलब कि वो amount of heat provided, that is equal to heat capacity इंटू डेल्टा टी। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक। तो क्या था बता, ये क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा। जैसे कि वहां पे 20 से 21 हुआ तो डेल्टा टी 1 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चा, अगर मैं इसी के बेसिस पे एक और कॉन्सेप्ट देखो बेटा, क्यू देखते जाना, क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं और जो भी हीट प्रोवाइड करो मैं ऐसा सेटअप किया हूं जैसे कि इसका, इसको क्लोज कर दिया हूं, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए और टेम्परेचर बढ़ता जाए, ठीक है। प्रेशर भी बढ़े तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं और फिर मैं हीट प्रोवाइड कर दूं, तो अब बेटा इसी को मैं कर सकता हूं सी वी, वी मीन्स एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और इसी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी, ऐसा मैं कर सकता हूं, ठीक है। चलो, और इसी को बोला जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसी को मैं एक और ढंग से कर सकता हूं, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो हो जाएगा मेरा सीपी, दैट मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर। तो यही मेरा हो जाता है क्या, चेंज इन एंथैल्पी, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी, ध्यान रखना चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर ये हमें मालूम है तो इसके बेसिस पे याद करो एक हमने फॉर्मूला किया था एंथैल्पी का, उस फॉर्मूला में हमने क्या इक्वेशन लिखा, दे देखो बेटा, डेल्टा एच दैट मीन चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पीवी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, हमने एक फॉर्मूला किया था ये, ठीक है। और एंथैल्पी का हमने एक फॉर्मूला किया भी था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ऑलरेडी किया है। और बेटा एक चीज ध्यान रखो, हमने आइडियल गैस इक्वेशन में भी किया था पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ये, जहां पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल है, गैस कॉन्स्टेंट इज आर एंड टी इज टेम्परेचर। अगर मैं n नंबर ऑफ मोल मैं 1 ले लूं तो हो जाएगा पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये हो जाएगा पीवी इक्वल टू एन, सॉरी n तो खत्म हो गया, n तो मैं 1 ही लिया,
तो ये हो गया आर टी। क्यों एन खत्म हो गया? क्योंकि हमें एन की जगह पे वन लिया, तो इंटू वन कर दो, तो क्या होगा पीवी इक्वल टू आर टी। क्या मुझे मिला? पीवी इक्वल टू आर टी। अब बच्चा देखो, इस पीवी की जगह पे मैं आर टी डाल सकता हूं, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा, अब पीवी नहीं लिखूंगा, अब आर टी में लिखूंगा, आर टी वेयर आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर। अब देखो बच्चा, अब मैं क्या करूंगा, देखो डेल्टा एच के जगह पे, डेल्टा एच के जगह पे मैं ये वैल्यू डालूंगा, देखो तो क्या मैं डाला ये, देखो सीपी, ठीक है, सीपी डेल्टा टी इक्वल टू, अब डेल्टा यू की जगह पे मैं ये वैल्यू डालूंगा, ये देखो डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू दिस, तो इक्वल टू सी वी दैट मीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा इसको आर को कॉन्स्टेंट होता है तो मैं आर को बाहर ले लिया और डेल्टा टी मैं ऐसे कर लिया, वेरिएबल तो टेम्परेचर होगा, ठीक है, आर तो गैस कॉन्स्टेंट है, मैं हमने बोला था दिस इज द गैस कॉन्स्टेंट, तो ये कोई चेंज नहीं होना थी, चलो मैं डेल्टा के बाहर ले लिया। अब देखो बच्चे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा टी, राइट हैंड साइड में भी डेल्टा टी डेल्टा टी, तो बच्चा इसको मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, सी पी डेल्टा टी। अब बच्चा इसमें से डेल्टा टी मैंने कॉमन ले लिया, डेल्टा टी कॉमन ले लो, तो मैं लिख सकता हूं सी वी प्लस आर, मैं कर सकता हूं यहां तक क्लियर, देखो बच्चे क्लियर। अब देखो बच्चे क्या इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा टी और राइट हैंड साइड में डेल्टा टी कैंसिल कर दिया, तो अब बच्चे इसके आगे मैं कैसे लिखूंगा, देखो बच्चा चलो इसके मैं आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, देखो यहां पे, तो देखो मैं लिख सकता हूं सीपी दैट हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये तो कैंसिल हो गया, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी प्लस आर, ठीक है। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये आया समझ में, और हमें मालूम है बच्चा ये आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो मेरा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, ये मेरा एक फिक्स्ड रिलेशन आ गया बच्चा, देखना एक फिक्स्ड रिलेशन है ये, ठीक है, ये देखो, और इसका वैल्यू मिलता है 8.3 जूल आता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे मेरा ये वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गया, तो मुझे एक रिलेशन समझ में आ गया। टॉपिक हमने क्या बोला था, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है, इक्वल टू दैट इज रेट कॉन्स्टेंट सॉरी गैस कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप कोई डाउट नहीं है, इफ एनी डाउट देन मस्ट गिव मी रिप्लाई, एंड थैंक यू थैंक यू।